मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई टीच यू यूनिट 8 ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 3। द पोएम नेम इज अ लिटिल टर्टल। यू ऑल आर नो व्हाट इज लिटिल टर्टल, एक छोटा सा कछुआ। इसको हम क्या कहते हैं, अ लिटिल टर्टल। सो आई एक्सप्लेन दिस पोएम। सॉन्ग द पोएम अलाउड विथ एक्शन। ये जो पोएम है आपको लाउडली एक्शन के साथ बोलनी है। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो। वेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेन एवर आई गो। मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ जो है अपने पीठ पे जो है अपना घर जो है लेके चलता है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरा घर जो है मेरे साथ में चलता है। आप सभी ने टर्टल देखा है ना, कछुआ देखा है। तो कछुआ आपको पता है ना कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, और जिस ढंग से वो चलता है उसे क्रॉल कहा जाता है। ओके, आपने देखा होगा उसके पीठ पे एक शेल होता है ना, उस शेल को जो है वो उसका हाउस है, वो उसी के अंदर रहता है, वहीं पे रहता है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता है। तो उस शेल को उसने हमने कहा है कि मैं अपने घर को अपने साथ ही हर जगह लेके जाता हूँ। कछुआ अपना शेल छोड़ के जा सकता है क्या? नहीं। तो ही कैरी हिज हाउस वेन एवर ही गो, जहाँ भी जाता है अपने घर को साथ में ही लेके जाता है। When I get tired, I put in my head and leg and my tail. जब मैं थक जाता हूँ, एकदम चल चल के थक जाता हूँ, और जब मुझे आराम करना होता है, सोना होता है, तो मैं अपने शेल के अंदर जो है अपनी हेड, अपना टेल और अपने लेग जो है उसके अंदर ले लेता हूँ। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, टर्टल ने अपनी हेड, अपने हैंड, लेग और अपने जो टेल है उसको अंदर ले लिया है, और वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। क्यों रेस्ट कर रहा है? बिकॉज ही इज़ फीलिंग टायर्ड, उसे बहुत थक गया है, वो उसे थकान महसूस हो रही है, इसीलिए उसने अपने बॉडी को अपने शेल के अंदर ले लिया है। और वो क्या कर रहा है, जब मुझे थकान होती है, मैं थक जाता हूँ, मुझे आराम करना होता है, तो मैं अपने शेल के अंदर अपने बॉडी को लेके सो जाता हूँ, अपने बेड पे चले जाता हूँ, ऐसे उसने कहा है। ठीक है, तो कैरी यानी उठाना, वो जो हम सामान ले रहे हैं, जैसे उसने अपने घर को अपने पीठ पे लिया है तो कैरी किया है। ठीक है, क्रॉल यानी रेंगना, टायर्ड यानी थकना, टर्टल यानी आप सभी को पता है कछुआ। ठीक है, अब बताओ क्रॉल कौन कौन करता है? एक छोटा बेबी करता है ना, और कछुआ करता है। अ बर्ड हैज अ शेल, टर्टल हैज अ शेल। टर्टल के पीठ पे क्या होता है, शेल होता है। हाउ डज टर्टल वॉक? स्लोली। हाउ डज टर्टल वॉक? स्लोली। व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन हिज बैक? वो अपने पीठ पे क्या लेके जाता है? His own house. Where does the turtle go when it is tired? जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है? He put in his head, leg and tail inside the shell when he is feel tired. Okay? And I explain all the exercise from the PDF. I send you the PDF. So write down your notebook in your book. Okay? So we all are meeting next class. Till then, bye.